बहुत सारे मसाइल हैं, हालांकि काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन जो हमको ज़रूरी जो जान पड़ते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमको जानवर खरीदने से लेकर कुर्बानी करने तक उस पर क्या क्या मसाइल आते हैं, तो इंशाल्लाह वो मसाइल हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो मसाइल हैं। तो सबसे पहले कि जानवर जो इसके अंदर बेएब होना चाहिए, बेएब होना चाहिए यानी पूरी सही सालिम जानवर होना चाहिए। इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 2802 के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर तुम हो तो उसको अच्छी तरह देख लो कि वो जानवर काला ना हो, वो जानवर अंधा ना हो, इसी तरह वो बीमार ना हो, और वो लंगड़ा ना हो या लागिर जानवर ना हो, और इसी तरह जो सींग टूटा भी ना हो और कान कटा हुआ भी ना हो। यानी ये चीज़ें उसके तो छः तो यहाँ पर रिवायत में हमको मिलता है कि ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, इतेब नहीं होना चाहिए। तो सही सालिम जानवर होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ये तो आप जब ख़रीदने जाएँ तो आप उसको थोड़ा सा के चला कर आप उसको देख लेंगे कहीं ये लंगड़ा कर तो नहीं चल रहा है, या फिर उसका आँख आपको चेक करना है तो आप उसके जो है आप उसके ताली बजा कर ये जिस तरह उसके इशारा करके आप देख सकते हैं कि आँख को बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इस तरह चेक करके आप उसको ले सकते हैं। और जानवर जो होना चाहिए मोटा ताज़ा हो, मोटा ताज़ा जानवर होना चाहिए, ताकि उसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि ज़्यादा लोगों तक गोश्त को तकसीम किया जा सके, हर शख्स को, गरीब को और अपना रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो, तो इसलिए अच्छा जानवर होना चाहिए। इसी तरह जो है अगर कोई कुर्बानी का इरादा करता है कि उसको कुर्बानी करना है, उसने इरादा कर लिया, तो उसको चाहिए कि वो क्या करे कि जैसे ही चांद देखे तो अपने नाखून और बाल ना तराशे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया हदीस नंबर 5410 के जो कुर्बानी का इरादा करता है और अगर वो चांद देख ले तो अपने नाखून और अपने बालों को ना तराशे, यानी उनको छोड़ दे। ये कब करना है, उसकी कुर्बानी हो जाए उसके बाद में वो अपने बाल और अपने नाखून तराशेगा, कहीं के भी बाल, पूरे जिस्म के में से बाल और नाखून उसको जो है बाद में तराशना है कुर्बानी के बाद में। अब यहाँ एक मसला आता है कि जानवर कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कैसा जानवर होगा, तो इसके ताल्लुक से हमको मिलता है कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1963 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ला तस्मऊ इल्ला मुसिनतन, कि ला तस्मऊ इल्ला मुसिना, कि दोंदे के अलावा कोई जानवर जिबा मत करो, लेकिन अगर तुमको वो मिलना मुश्किल हो जाए तो तुम भेड़ का खेरा जिबा करो। यानी वो मुश्किल हो जाए तो दोंदा किसको कहते हैं, दोंदा उस जानवर को कहा जाता है कि जिसके दो दांत टूटकर नए आ गए हो, उसको कहते हैं दाता जानवर, यानी दांत वाला जानवर जिसके दो दांत टूटकर नए आ गए हो। उम्र से इसके अंदर कोई वो नहीं है कि इतने साल का हो, जिस तरह हम देखते हैं आम लोग कहते हैं एक साल का हो तो चल जाएगा, एक साल का हो तो चल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो उसके लिए जो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो कहा वो ये कहा कि जो है ला तस्मऊ इल्ला मुसिन्ना, कि वो दो दाता जानवर होना चाहिए, उसकी दांत टूटकर वापस आ गए हैं तो वो जानवर इसके अंदर तुम जिबा करो। अब इसके अंदर जो है कुछ उलमाओं ने इसके अंदर कई चीज़ें जो बतलाई हैं, वो क्या बतलाई हैं उन्होंने कि उन्होंने साल भी बता दिए कि ऊँट जो है चार साल के बाद में पाँचवें साल लग गया हो तो उसको जिबा कर सकते हैं। इसी तरह जो है गाय बिल के अंदर है तो उसमें उन्होंने कहा कि तीन साल पूरे करके चौथे साल लग गया हो तो उसको जो है कुर्बान किया जा सकता है। इसी तरह बकरा जो एक साल के ऊपर हो तो कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये मसला देखिए तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लम ने वो मसन्ना कहा जाता है दो दांत वाले को, दांत को कहा जाता है यानी दो दाता, उसको मसन्ना कहा जाता है। और ऐसे जानवर को कहा जाता है जिसके दूध के जो दांत हैं वो टूट कर नए आ गए हों। वैसे हालांकि आप देखेंगे तो जानवर जो है अपने हम देखते हैं कि हमारे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बगैर दांत के पैदा होते हैं, लेकिन जानवर दांत के साथ ही पैदा होता है, दांत ही आते हैं उसके, तो दूध के दांत हमारे जैसा ना सोचे कि हम जैसे हमारे इंसानों के जो बच्चे के दांत नहीं होते बाद में आते, तो उनके वो दांत के साथ ही पैदा होता है, लेकिन वो जो दांत उसके पेट के होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद दो 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 उसके दांत टूटते हैं, नए दांत आते हैं, तो वो उससे मुराद है, तो ये दांत उसके होने चाहिए। तो इसको फिर अगर वो ना मिल पाए तो फिर भेड़ का खेरा जिबा कर सकते हैं, भेड़ का खेरा उसमें जिबा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये मसला आता है कि इस हदीस के अंदर, कि कई लोग हमारे यहाँ पर आम मसला है कि लोग कहते हैं कि नहीं एक साल का हो गया, एक साल का जो जानवर है बकरा तो उसको क्या जिबा कर सकते हैं, हो जाता है एक साल का, आम मसला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको, क्योंकि इसमें इख्तलाफ क्या हुआ कि इसके अंदर जो है कहा जाता है, वो कहते हैं कि मसना मतलब होता है साल वाला और हदीस में दांत वाला, तो कहते नहीं इसका मतलब है साल वाला कि एक साल का हो तो कर सकते हैं, एक साल का हो तो उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हदीस एक है और उस पर जानवर चार हैं
अगर इस हदीस को हम उस पर ले जाएंगे तो सब जानवर पर लगेगी। तो ऊँट एक साल का कुर्बान नहीं किया जा सकता, गाय बैल एक साल का नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह जो फिर इस पर लाएंगे सिर्फ, तो इसमें जो हदीस के अंदर जानवर के अल्फाज नहीं आए, इसके अंदर सिर्फ ये बतलाया गया है कि तुम मत ज़िबा करो मगर दांत वाला, तो दांत वाले जानवर यहाँ पर कहा गया है। तो इसके अंदर जो है हमको ये मिलता है। तो इससे यही करना चाहिए कि हमको जब जानवर लेने जाएँ तो दाता देखना चाहिए और ये करना चाहिए। और इस पर जो है राजे कौल जो है उलमाओं का यही है, और अगर इसको हम जो है साल पर कयास करेंगे जो सही नहीं होगा। इसी तरह जो है कि अगर इसमें जानवर, कई बार सवाल लोग करते हैं कि क्या जानवर, खस्सी जानवर की कुर्बानी की जा सकती है, खस्सी मेंढा इसकी कुर्बानी की जा सकती है खस्सी जानवर की, तो इसके ताल्लुक से भी मिलता है कि अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2796 कि अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम एक बाज़ार गए ईद उल अज़हा के पहले, और आपने दो खस्सी जानवर यानी मेंढे आपने वहाँ से खरीदे और उनका आपने जिबा किया। तो खस्सी जानवर की भी कुर्बानी इसके अंदर की जा सकती है, इसके ताल्लुक से हमको मिलता है। इसी तरह एक और रिवायत मिलती है, इब्ने कदामा रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि खस्सी जानवर जिबा किए जा सकते हैं, ये अगली अल मुगनी की रिवायत है। इसी तरह जो है क्या कुर्बानी हर फर्द को अलग अलग करनी पड़ेगी या सिर्फ घर का एक जना कर दे तो सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है, इसका क्या मसला है? तो इसके ताल्लुक से हमको मिलता है कि एक जानवर अगर कोई कुर्बान घर का मुखिया वो करता है तो पूरे घर की तरफ से वो कुर्बानी हो जाती है, यानी उसकी बीवी की तरफ, उसके बच्चों की तरफ उसकी कुर्बानी हो जाती है। ये इब्ने माजा और सही तिर्मिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 1505। अबू अंसारी रज़ी अल्लाह ये फरमाते हैं कि रिसालत के वक्त में हर आदमी, हम एक आदमी अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था और वे उसे खाते थे और खिलाते थे, यहाँ तक कि उसके बाद में तकब्बुर शुरू हो गया जिस तरह से तुम आज देखते हो। यानी आज हम देखते हैं ना जानवर के ताल्लुक से लोग तकब्बुर करते हैं कि अब देखो मैं 2 लाख का जानवर लाया, मैं 1 लाख का जानवर लाया, तो उस वक्त भी हो चुका था, ये सहाबा के दौर में हो चुका था, यानी कि अल्लाह के रसूल वफात के बाद ही लोग जो इसके अंदर तकब्बुर करने लगे थे कि बड़े बड़े जानवर लाकर वो दिखाने लगे थे, तो दिखावा इसके अंदर हो गया था। तो इसके ताल्लुक और इसके ताल्लुक से इसके अंदर, इसकी तशरीह के अंदर इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हक बात यह है कि एक बकरी तमाम घर वालों के लिए काफ़ी हो जाएगी, चाहे उनकी तादाद 100 भी क्यों ना हो, उनकी तादाद 100 भी क्यों ना हो, तो इसके अंदर उनकी हो जाएगी। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि एक फ़र्द यानी जो मुखिया है तो मुखिया की तरफ से हो जाएगी। अगर उसके घर में भले 30 लोग हों, 40 लोग हों, वहाँ मसला क्या आता है कि उसके घर चूल्हे कितने जलते हैं, तो एक चूल्हा जलता है तो यानी एक परिवार उसका हो गया, तो उसकी तरफ से वो हो जाती है। हर फर्द के लिए अलग अलग नहीं होता है, अगर उनमें ताकत है कि नहीं हम कर सकते हैं कि बीवी चाह रही कि मेरे पास पैसा है मैं अलग से करूँ तो कर सकती हूँ, बच्चे चाह रहे हैं मैं अलग से करूँ तो कर सकते हैं, मना नहीं। लेकिन अगर किसके पास नहीं है तो वो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेला मुखिया करेगा तो पूरे घर वाले की तरफ से हो जाएंगी, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो तो उसकी तरफ से ये कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरह एक मसला ये आता है क्या कुर्बानी, और कुर्बानी के अंदर अकीका हो जाता है, तो कुर्बानी के अंदर अकीका नहीं होता, कुर्बानी एक अलग अमल है और अकीका एक अलग अमल है, दोनों अलग अलग होते हैं। अकीका जो है बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन किया जाता है तब वो होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों शामिल कर नहीं हो सकता, एक नीयत उसकी होनी चाहिए तब वो होगा। कुर्बानी कितने दिन है, कुर्बानी कितने दिन है, तशरीक के दिन जो है कुर्बानी के दिन है, इसके ताल्लुक से हमको मिलता है, ये मुसरत अहमद की रिवायत है, जुबैर बिन मुतीम रजी अल्लाह को फरमाते हैं कि तमाम तशरीक के दिन कुर्बानी के दिन है, तशरीक के दिन कुर्बानी के दिन। तशरीक के दिन कौन से, यानी 11, 12 और 13, ये अय्याम तशरीक के दिन, इस दिन के अंदर तक कुर्बानी की जा सकती है, इस दिन के अंदर कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अफजल जो क्या है, अफजल 10 ज़िलहिज्जा है। फिर इसके अलावा अगर उसके बाद में यह कोई जानवर 3-4 ले रहा है तो वो ऐसे भी इसको कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इतना सारा एक ही दिन जिबा करे, नहीं तो फिर इतना सारा उसके पास जखीरा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चाहे तो एक उस दिन कर ले, उसके बाद में 3 दिन वो कर सकता है, इसके अंदर की जा सकती है। और इस 4ों दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन, उसके बाद के 3 दिन रोज़ा रखना हराम है, इस दिन रोज़ा नहीं रख सकते, चाहे आप किसी भी आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं कि रख ले, या आपके जो रखते हो वो तारीख आ जाए उस पर आप रखें, तो उस दिन मना किया गया, इस दिन के रोज़े नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे जो है तशरीक। अब इसमें कुछ लोग इख्तलाफ इसमें होता है, बोले नहीं तशरीक के दिन 2 ही हैं, 11 और 12, 13वां दिन नहीं। और इसके अंदर बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, तशरीक के दिन जो है
ईद सहित चार दिन यानी तीन दिन उसके बाद के हैं। तो इसमें यही मिलता है हमको सही तिरमिजी की रिवायत है हदीस नंबर 773 के तशरीक के दिन ये जो है तीन दिन है। उसी तरह इब्ने हाकिम की रिवायत है इसमें मिलता है, इस तरह हिदायत के अंदर यही रिवायत मिलती है, इसी तरह जो है गुनियतु तालिबिन इनकी भी रिवायत में यही मिलता है कि ये जो है इसके अंदर अय्याम तशरीक के तीन दिन है, लेकिन इसमें दस ज़िलहिज्जा जो है अफजल है। इसी तरह जो है सही बुखारी की रिवायत है, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि आज ईद उल अज़हा के दिन की शुरुआत हम नमाज से करेंगे और उसी तरह करेंगे, अगर कोई इसी तरह करता है वापस आकर फिर हम कुर्बानी करेंगे, कोई इसी तरह करता है तो वो सुन्नत के मुताबिक करेगा। यानी कि इससे मालूम पड़ता है कि कुर्बानी जो है नमाज के बाद अदा की जाएगी। कोई आदमी सोचे कि मैं सुबह ही कुर्बानी कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ूँ तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी, उसको फिर दूसरा जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। इसके ताल्लुक से भी रिवायत मिलती है, एक सहाबा ने जो है नमाज के पहले कुर्बानी कर दी, अब उन्होंने उनकी मंशा जो भी रही हो कि शायद मैं ईदगाह जाकर सबको बांट दूँ, लेकिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं, दूसरा जानवर ज़िबा करे। तो कुर्बानी जो कब होती है, ईद के बाद ही, जो नमाज़ के बाद में कुर्बानी होगी। और अफजल दिन जो ईद का दिन है और ये सुन्नत मौकीदा है। इसी तरह जैसे ही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 5556 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया वो जो है मुसलमानों की सुन्नत को पा गया। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि सुन्नत क्या हुई इस हदीस के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, कि ये नमाज के बाद में इसको करना चाहिए। और इसी तरह जो है ऐसा भी नहीं है, अब सुन्नत मौकीदा मैंने आपके तीन चार बार इसलिए कहा कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी को छोड़ा भी है। क्यों छोड़ा है उन्होंने? इसलिए छोड़ा ताकि उम्मत जान ले कि ये फ़र्ज नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ कर भी तर्क करके बताया ताकि लोग इसको फ़र्ज ना समझे। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि ये सुन्नत मौकीदा है। अब इसको कौन कर सकता है, करेगा कौन? तो इसको जो है जो कर सकता है, यानी जो साहिब इस्तेतात हो वो इसको करेगा, या जो जानवर पालता है उसके पास, ज़रूरी नहीं, ज़कात का मसला नहीं कि इतनी इसके पास निसाब के पास में पहुँचा हुआ इतनी माल दौलत हो तब जाके उसको ज़कात देना है तो उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है, ऐसा इसमें नहीं है। ज़कात से इसका कोई जो है कनेक्शन नहीं है। ये जो कर सकता है वो कर सकता है, जो इस्तेतात रखता है कि मैं कर सकता हूँ, ये कुछ जानवर पालते हैं बचपन से और वो उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो कहे कि हमने पाला है और हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, चाहे उनकी गुरबत कैसी भी हो तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए वो नहीं, जो करना चाहे कर सकता है, वो साहब इस्तेदात है तो उसके लिए वाजिब और फ़र्ज हो जाता है। क्योंकि एक रिवायत में भी मिलता है कि वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी वो फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो साहिब इस्तेदात हो और अगर वो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो उस पर भी कुर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। तो इससे हमको इसकी अहमियत मालूम पड़ती है कि साहिब इस्तेदात को तो ये करना ज़रूरी, उसके लिए जो इसके अंदर छूट नहीं है। इसी तरह जो है इसके ताल्लुक से मिलता है कि ज़िबा के ताल्लुक से मिलता है कि ज़िबा कैसे किया जाए इसको, उसके ताल्लुक से मिलता है ये सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 1955। शद्दाद बिन ओस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि जब तुम ज़िबा करो जानवर को तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो और छुरी को तेज कर लो, छुरी को तेज कर लो और अपने जबीहों को क्या करो, आराम पहुँचाओ। तो तुम जबीहों को आराम पहुँचाओ यानी उसको तकलीफ़ तुम ना दो। इसी तरह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया है, हर चीज़ पर एहसान को लिख दिया है, जब तुम ज़िबा करो तो उस पर भी एहसान करो। तो यानी इससे नहीं कि हम उसको जो है छुरी पूरी तेज होनी चाहिए ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, उसको ज़्यादा वक्त ना लगे, जानवर को जो है तकलीफ़ ना हो। अब इसमें देखें कि जानवर को तकलीफ़ तो होती है क्योंकि वो जो बाद में उनको तड़पता हुआ दिखता है तो क्या उसको तकलीफ़ होती है? तो देखिए वो सिर्फ तकलीफ़ जब होती है जब उस पर छुरी फेरी जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नस कटती है उसके बाद उसको तकलीफ़ नहीं होती। वो क्या होता है कि जब उसका जो हार्ट होता है वो सक्शन करता है, वो ब्लड को खींचता है और बाहर फेंकता है तो उसकी वजह से वो जानवर हिलता है, बाकी उसको तकलीफ़ नहीं होती। जो साइंस भी यही कहता है कि उसको जो है उसको तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ वो जो है उसका हार्ट चलता है, वो जो पूरे जिस्म से उसका ब्लड खींच कर बाहर फेंकता है इसकी वजह से वो जानवर हिलता है, लेकिन उसको तकलीफ़ उसके बाद नहीं होती, उससे पूरा ब्लड वो उसका खींच कर बाहर निकाल देते। तो इस्लाम का जो तरीका है, जो सुन्नत तरीका ज़िबा करने का, ये बहुत फ़ायदेमंद है मेडिकली हिसाब से भी, क्योंकि सारे जरासीम वो सारी बीमारियाँ खून के अंदर होती है और खून ये पूरा जो इस तरीके से ज़िबा किया जाता है तो हार्ट पूरा ब्लड उसके जिस्म से निकाल कर बाहर जो है फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो गोश्त होता है उसको आप ज़्यादा दिन तक आप रख भी सकते हैं फ्रिज करके,
वो काफ़ी वक्त तक रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर जरासीम जो उसको ख़राब करने वाले वो निकल जाते हैं। तो फ़ायदेमंद वही चीज़ है। और इसके अलावा दूसरे तरीके तो उसके अंदर मेडिकली बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो ये जो इस्लाम का ये तरीका है। इसी तरह जो है जानवर को लेटाएं किस तरफ, क्या उसको किबला रुख करना चाहिए या किस तरफ उसको लेटाकर उसको जिबा किया जाए, इसके ताल्लुक से मिलता है अबू दाऊद की रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ने यह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने दो चीत कबरे खस्सी मेंढे खरीदे, यह भी मिलता है कि खस्सी जानवर जिबा किया जा सकता है, और मेंढे लिए और आपने उसको जो है किबला रुख उसको किया और किबला रुख करके आपने उसको जिबा किया। तो किबला रुख भी कर सकते हैं, ये सिर्फ ये क्या है कि मुस्तहब है अल्लाह के रसूल सल्लम की, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इसको करने के लिए आप जानवर को तकलीफ़ दें। जानवर अच्छा हैवी है और जानवर आपको जो है उधर नहीं हो रहा है, क्योंकि जानवर हटी भी होते हैं, आप उसको जो उसकी उसको लेटा रहे हैं, पकड़ रहे हैं तीन चार लोग, तो सीधी सी बात है कि वो एक जगह रुकेगा नहीं। तो उसके लिए ये ना करें आप कि कोई उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, कोई पूंछ पकड़ के खींच रहा है, और मैंने तो यहाँ तक सुना कि वो उसको किबले रुख के करने के चक्कर वजह से किसी ने उसकी पूंछ खींची तो पूंछ उसकी दुम निकल गई, वो एबदार जानवर हो गया। तो अगर जानवर हो सकता है पॉसिबल है तो करें, नहीं तो फिर आप जिस भी आप चाहें उस जो है तरफ उसको रुक करके उसको आप कर सकते हैं, वो भी सही है। इसी तरह जो है क्या कुर्बानी के अंदर जो लोग फौतशुदा हो गए, जो मैयत है, क्या उनके नाम से कुर्बानी की जा सकती है या उनको अपनी कुर्बानी में शामिल किया जा सकता है? जैसे किसी के वालिद जो है उनका इंतकाल हो गया, तो वो सख्त चाहे तो क्या वो वालिद को भी उसमें शामिल कर लें कि मेरी कुर्बानी में ये भी शामिल है, तो किया जा सकता है? तो उसके ताल्लुक से हमको मिलता है अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2768 कि अल्लाह के रसूल वसल्लम के ताल्लुक से मिलता है कि उन्होंने एक बार दो मेंढे जिबा किए और उन्होंने कहा, एक मेंढे को जिबा करते वक्त उन्होंने कहा कि ये जो है अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से, और दूसरा जब अल्लाह के रसूल ने जानवर जिबा किया तो उसके अंदर उन्होंने फरमाया, उसके अंदर ये भी फरमाया साथ में उसी के, कि ये जो है मेरी उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से भी। तो अब इससे जो है उलमाओं ने इसमें जो है उन्होंने अक्स किया कि जो लोग इसके अंदर अक्स किया मसला कि जो लोग फौतशुदा हो गए वो भी तो जो अल्लाह के रसूल सल्लम के वक्तों के अंदर जो लोग मर गए जो ईमान लेकर आए थे यानी उम्मत मुहम्मदिया में से ही थे, तो जो तो वो भी शामिल हो गए इसके अंदर। तो उलमा ने कहा ये वो भी शामिल हो गए, तो यानी मैयत को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो कोई आदमी अगर चाहे कि मेरे वालिद को मेरे दादा को इसके अंदर जो फौत हो गए तो उनको मैं शरीक कर लूँ, तो वो शिरकत उसमें की जा सकती है। लेकिन अगर कोई चाहे कि सिर्फ मैयत की ही कुर्बानी करें किसी मैयत के नाम की, यानी वो शख्स नहीं है वो इसका इंतकाल हो चुका है, क्यों उसके नाम की मैं कुर्बानी करूँ तो क्या वो कर सकता है? तो उसकी दलील तो नहीं मिलती है कि ऐसा जो है कभी साहबा ने किया हो या कभी तबे ताबईन ने भी किया हो कि जो फौतशुदा लोगों के नाम से उन्होंने कुर्बानी की हो। लेकिन उलमा इसके ताल्लुक से करते हैं कि अगर कोई करना भी चाहे तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, वो सदका कहलाएगा, वो सदका कहलाएगा। तो कोई आदमी अगर फौतशुदा के जो है उसके दादा है या कोई भी और भी शख्स है वो जिसको चाहता है उसके नाम से करना चाहता है, तो उस जानवर को जिबा करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, पूरा का पूरा उसको तकसीम करना पड़ेगा, वो नहीं खा सकता, क्यों वो सदका हो गया। लेकिन इसको कहाँ करना पड़ेगा, घर पर करना पड़ेगा, किसी कब्र पर ले जाकर इसको नहीं कर सकते, ये तो कब्र वाले के नाम से शुमार होने लग जाएगा। तो वो घर पे कर सकता है, वो चाहे किसके नाम पर भी करो। इसी तरह जो है मसनून दुआएं भी इसके ताल्लुक से, मसनून दुआएं जो हमको पढ़ना चाहिए जो हमको मिलती सही बुखारी की रिवायत है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इससे भी इसको जिबा किया जा सकता है। इसी तरह जो है क्या जानवर को खुद जिबा कर रहे हैं या फिर जो है कसाब से करवा सकते हैं, कसाई से करवा सकते हैं? तो इसके ताल्लुक से मिलता है सही बुखारी की रवायत है हदीस नंबर 5554 के इनके तरफ में कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद अपने हाथों से जानवर को जिबा किया। तफजल यही है कि अपने हाथों से जिबा करें, लेकिन अगर कोई इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि हर जरूरी नहीं कि हर आदमी में इतनी हिम्मत हो ताकत हो कि वो करे, तो नहीं कर सकता तो वो दूसरे से भी करवा सकता है, तो ये ऐसा फ़र्ज नहीं है। लेकिन अफजल ये है कि वो उसको खुद करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल किया करते थे। क्या उड़ते जिबा कर सकती है? तो ये भी सही बुखारी और नसाई में रिवायत मिलती है कि उड़ते भी जिबा करती है, जिससे ताल्लुक से मिलता है कि हजरत मूसा अशरी रजीलान इनके ताल्लुक से मिलता है कि इन्होंने जो एक बार इनका खुद का जानवर एक जिबा किया और अपनी जो लड़कियों से कहा कि तुम भी अपने अपने जानवर को जिबा कर लो,
तो उन्होंने फिर अपने जो है उन्होंने जिवा किया, तो औरतों ने भी किया, तो औरतें भी इसको कर सकती है। इसी तरह एक और रिवायत में मिलता है कि एक औरत ने एक तीखे पत्थर, उसके पास छुरी नहीं थी, तो एक पत्थर को तीखा कर कर उसने जो है उस जानवर को जिवा किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा, यानी इसमें भी जायज़ है। तो वहाँ भी औरत ने किया था लेकिन पत्थर को तीखा करके किया, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लम ने उसको उस पर कोई जो है खामोशी इख्तियार की, तो वो भी कर सकती है, इसको मिलता है। अब इसके अंदर एक मसला आता है कि अब जिवा भी हो गया, सब हो गया, तो अब इसको इसमें से यहाँ मसला जो है बड़ा लोग इसके अंदर वो करते हैं, और आप देखें आप लोग मैसेज भी आएंगे इसके ऊपर, मैसेज भी मिलते हैं, लोग कहते हैं कि ये खाना मकरूह है, ये खाना हराम है, इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, जो इसके जो है कपूरे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें मकरूह है, उजड़ी नहीं खाएगा कोई। इसके अंदर जो है तमाम लोग इसके अंदर लिस्ट भी बना देते हैं, इतने जानवर, इतने जो हिस्से खाना मकरूह, इतने हिस्से खाना हराम, तो इसको क्या इसका कुछ मिलता है क्या? तो इसका कोई हमको रिवायत नहीं मिलती है, कोई रिवायत इसकी नहीं मिलती है। तो इसका सीधा सा मसला यह है कि जो उसके अंदर खाने लायक है वो आप खा सकते हैं, जिस चीज़ से आपको नुकसान है उसको आप छोड़ दें। अब देखिए आप जो खाने लायक है जिससे आपको नुकसान है वो खा सकते हैं। अब जिस आपको क्या क्या खूर खा लें, तो खूर खाने से भाई आपके दांत टूट जाएंगे तो मत खाइए। सींग खा लें, उसके दांत खा लें, तो उससे आपके दांत टूट जाएंगे, नुकसान करेगा, आपको हजम भी नहीं होगा, तो मत खाइए आप। तो जो इसमें से खा सकते हैं उसको खा लें। अब कई लोग इसमें मसला क्या करते हैं कि नहीं ये जो अंदर इसके उजड़ी जो होती है, जो उसका मैदा होता है जहाँ पर उसका खाना जमा होता है, तो लोग कहते हैं ये खाना मकरूह है, तुम्हारे हिस्से के अंदर ये हिस्सा भी क्या है कि ज़मीन का हिस्सा है, तो उसको दफना दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि उसके जो है उजड़ी को दफनाया जाए। आप खा सकते हैं उसको भी तो खा लें, या आप किसी को देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो ये है कि जो चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो वो उसमें से खा लें, जो आपको नुकसान करे उसको ना खाएं, ये उसके अंदर से मसला है। तो इसके अंदर कोई बंदिश जो है इस्लाम ने इसके अंदर नहीं लगाई है, कोई इसमें हमको मिलता भी नहीं है। क्या इसको गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? तो इसमें गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है कि अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 36 में जो अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो है खाओ और खिलाओ, तो उसमें कैद नहीं लगी है अल्लाह ने कि इसके अंदर गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता, तो गैर मुस्लिम को भी इसमें दिया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे आदमी को दें, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो ऐसे आदमी का आप ध्यान रखें कि वो आदमी जो है शराब वगैरह ऐसी हराम चीज़ों को अशिया का इस्तेमाल ना करता हो, तो इसे आदमी को आप खिला सकते हैं, ऐसे आदमी को आप उसमें खिला सकते हैं, दे सकते हैं। और जो है अब इसके अंदर एक मसला ये आता है कि क्या जो कस्साब है, जो आता है उसको साफ़ सफाई करता है, जो उसको काटता है पीसेस करके हमको देता है, तो क्या उसको उजर क्या दें, क्या पैसा दें, या जो उसकी खाल है वो दे दें, या गोश्त का कुछ हिस्सा हिस्सा उसको दे दें ताकि उसका जो वो हो जाए, तो ऐसा करना मना है। इसके ताल्लुक से हमको रिवायत मिलती है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाए, हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम मुझसे कहा कि अली तुम जो है कि खाल को सदका कर दो और इसको कसाई को ना दो, उसको उजर दो, यानी उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, आप उसको जो है खाल नहीं दे सकते, खाल के बदले में उससे कुर्बानी नहीं करा सकते, ये क्या करना पड़ेगी, खाल जो आपको सदका करनी पड़ेगी, या आप उसको बेच सकते हैं और उसका जो पैसा है उसको आप सदका खैरात कर सकते हैं। तो इसको जो है उसके बदले कसाब को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मसले इसके अंदर पेचीदा हो गए हैं, तो उस बात का भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि जिस जानवर पर हमारे यहाँ पर बैन कर दिया गया है, जो कानूनी तौर पर जो बैन कर दिए गए, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम उस पर एहतियात करें, क्योंकि हम यहाँ पर इस मुल्कों में रहते हैं, तो उसके लिए इसको ज़बरदस्ती ये करना, और हमको ये चाहिए कि हमारा काम क्या है, लोगों तक दावत पहुँचाना, तो ये चीज़ हमारी दावत में आड़ भी आती है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कानून बन चुका है, तो इस कानून को फॉलो करना ये भी जो है एक जिम्मेदार जो शख्स है मुसलमान है उसके अंदर, तो उसके भी लिए चाहिए कि वो इस वतन के अंदर जो कानून बनाया गया उसका एहतराम करें, और गैर मुस्लिमों को दिल दुखाने वाली बात ना करें, क्योंकि हमारे जो जहाँ पर सल्तनत मुसलमानों की रही है इससे पहले 800 साल जो मुसलमानों ने सल्तनत कायम किए, तो उन्होंने भी इसको जो है कई इन्होंने इस चीज़ को उन्होंने तर्क किया था कि इनको जो है इससे तकलीफ होती है, तो इस जानवर को छोड़ देना चाहिए। ताजिस दोनों जानवर पर जो बैन लगा दी गई, हालाँकि पहले वक्त में ये जो सिर्फ गाय पर बैन था, लेकिन अभी बैल पर भी उन्होंने गोवंश यानी दोनों उसमें आ गए, तो उसको बैन लगा दिया गया, तो इस पर हमको उसका एहतराम करें, और उसकी जो है जो उनकी भी अकीदत है, जो भी उनका मकसद जो कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, हमको तकलीफ़ होती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी भी नहीं, आपके पास दूसरे जानवर हैं तो आप उनको कर सकते हैं, आपके पास में जो है बकरी है, बकरा है, और आपके पास भेड़ है, मेंढा है, तो आप इनके करें, उसको आप छोड़ देना चाहिए, नहीं तो भाई कानूनी इसके ऊपर आप वो देख लें, फिर नुकसान भी हमको उसका उठाना पड़ सकता है।